दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको एक ख़ास कैरियर के बारे में बताऊंगा। ज़िंदगी में कुछ ख़ास पड़ाव आते हैं और एक ख़ास पड़ाव होता है शादी का, उसी तरह एक कैरियर का। और शादी से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार कैरियर है जो कि है वेडिंग प्लानिंग का। तो कैसे करें एक वेडिंग प्लानिंग की तैयारी, जानिए इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शादी जैसा इंपॉर्टेंट फंक्शन मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और आजकल परिवारों के पास समय भी नहीं होता, इतने बड़े परिवार भी नहीं होते, तो और ज़्यादा मुश्किलें पैदा होती है। वहीं पर रोल आता है एक वेडिंग प्लानर का। वेडिंग प्लानर आपके बजट के अनुसार और आपकी सहूलियत के अनुसार बहुत सारी चीज़ें अरेंज कराता है आपको एक ही जगह पर। तो आपको किसी भी प्रकार का तनाव लेने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, और वेडिंग प्लानर आपके लिए सारी सुविधाएं जुटाता है, चाहे वो बैंड वालों की बात हो, खाने की बात हो, फूलों की बात हो, सजावट की बात हो, लाइटिंग हो, या और सारे अरेंजमेंट्स हो, रहने की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें वेडिंग प्लानर की जिम्मेदारी। वो आपके बजट के अनुसार और आपकी लोकेशन जैसा आप चाहते हैं, शादी दिन की है, रात की है, उस लिहाज से आपको सुविधाएं अरेंज करवा देता है। और निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव करियर भी है, इसमें उसका भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होता ही है। इन सब के साथ ही मुझे पूरी उम्मीद है एक बहुत अच्छा करियर बनता है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वेडिंग प्लानिंग में अगर आप अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग लोकेशन चूज़ करते हैं तो शादी में 4 चांद लग जाते हैं। कुछ लोकेशंस आपको मौसम और समय के हिसाब से चूज़ करनी पड़ेगी। दिन की लोकेशन अलग हो सकती है, रात की लोकेशन अलग हो सकती है, और रात में आपको लाइटिंग का भरपूर इस्तेमाल भी करना अच्छा रहेगा। बाकी दिन की लोकेशन में आप लाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि शादियों में संगीत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ख़ासतौर से शादी के टाइम में, या जिस समय आप रिसेप्शन देते हैं वहाँ पर आजकल ऑर्केस्ट्रा का भी इंतज़ाम रहता है और पूरी रात संगीत चलता रहता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इस समय। वेडिंग प्लानिंग करते समय एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपको लाइटिंग का भरपूर इंतज़ाम होना चाहिए, साथ ही साथ बैकअप भी होना चाहिए। अगर लाइट कभी चली जाए तो जनरेटर आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा कनात वगैरह लगाते हैं या फूल वगैरह से आप जो सजावट करते हैं उससे खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। लाइट का सही उपयोग, सही थीम का इस्तेमाल और सही लोकेशन पर सही तरह के फूलों की सजावट, ये बहुत ज़रूरी है। शादी का सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता है मंडप, जहाँ पर कि फेरे करवाए जाते हैं, और आजकल इंडोर होता है, होटलों में उसका इंतजाम किया जाता है। इसकी सजावट पर ही लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो ये चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। गेस्ट या बराती हो तो उनका मुख्य ध्यान खाने के ऊपर होता है, तो खाने का सही इंतज़ाम और ज़्यादा खाना वेस्ट ना हो, सही मात्रा में और अधिक से अधिक व्यंजन आपको मिल जाएँ उतने ही पैसे में, ये वेडिंग प्लानर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है। छोटे छोटे काम जैसे कि पगड़ी या मेहंदी या साजिंदे जो बैंड के साथ चलते हैं, सबका ध्यान रखना वेडिंग प्लानर को बहुत ज़रूरी होता है, इनका ध्यान रखता भी है वो। और जहाँ तक लाइटिंग और कनात सजावट का सवाल है, तो वो डिपेंड करता है कि बजट कितना है। जितना अधिक बजट होगा खूबसूरती उतनी ही अधिक होगी, लेकिन एक अच्छा और सक्सेसफुल वेडिंग प्लानर वो है जो कम से कम बजट में अधिक से अधिक रिजल्ट निकाले, अधिक से अधिक खूबसूरती बढ़ाए बारात की। और जो भी आपकी स्ट्रेटजी है या कुछ इस तरह से टाइप करके रखे कि कम से कम पैसे में उसको अधिक से अधिक सजावट हो जाए, नई से नई थीम्स निकल के बाहर आएँ और बारातियों को और घर वालों को सभी को देखने में बहुत अच्छा लगे, लाइट का भी भरपूर इंतजाम हो और नए से नए डिज़ाइन में आपको देखने को मिले। तो वेडिंग प्लानिंग मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा ल्यूक्रेटिव एक कारोबार हो गया है। एक अच्छी बारात वही है जिसमें अधिक से अधिक बाराती नाचें और नाचने को मजबूर हो जाएं, वो डिपेंड करता है बैंड के ऊपर। तो एक बहुत ही शानदार बैंड का इंतज़ाम करना वेडिंग प्लानिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। घोड़े के बिना आप शादी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। एक हिसाब से थीम सेलेक्ट की जाती है, रंग का भी ध्यान रखते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जहाँ पर बारातियों को ठहराया जाना है या जहाँ घर वालों को रुकना है, उनके रुकने के स्थान को किस तरह से चूज़ किया जाए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका बजट कितना है, जो बजट होगा बजट के हिसाब से आप चूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ लोकेशन, जहाँ पर कि सभी आसानी से पहुँच सकें, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, क्योंकि बाहर से आने वाले सभी बाराती आसानी से वहाँ पहुँच जाएँ और जब उनको जाना हो आसानी से कम समय वेस्ट करके वापस भी जा सकें, और साथ ही साथ सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हों, चाहे आपका वॉशरूम की सुविधा हो या अच्छे टॉयलेट की बात करें या बेडरूम हो या एंटरटेनमेंट के लिए टीवी हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जितनी ज़्यादा उपलब्ध होंगी, जितनी आसानी से उपलब्ध होंगी और अधिक से अधिक रूम सर्विस अवेलेबल हो, अधिक से अधिक खाने की चीज़ें मौजूद हों,
ताकि किसी को परेशानी ना हो, अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों को अपने पसंदीदा व्यंजन मिल जाएं और सभी कुछ उनके फिंगर टिप पे उपलब्ध हो और मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग मॉडर्न एमिनिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं और चाहते हैं कि स्वच्छ और ऐसी जगह पे उनको मिले जहाँ पर सुविधाएं अधिक हों। तो इन बातों का ध्यान रखना एक वेडिंग प्लानर के लिए बहुत ज़रूरी है। अधिक से अधिक सुविधाएं, कम से कम पैसे और सुविधाजनक स्थान। रुकने का स्थान चूज़ करते समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर दूल्हा दुल्हन दोनों के रिश्तेदार किसी ऐसी जगह पर जहाँ सबसे ज़्यादा आसानी से पहुँच सकें, सबसे नज़दीक हो, वो जगह इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होगा और बजट कम बजट में भी काम चल जाएगा। साथ ही साथ आप दो तीन तरह के रूम्स ले सकते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत VIP आप उनको कह सकते हैं, कुछ लोग बहुत VIP होते हैं उनका आप थोड़ा हायर स्टेटस वाले रूम में ठहरा सकते हैं, और कुछ लोग जो बहुत क्लोज घरेलू होते हैं कहीं भी ठहर सकते हैं, उनको आप किसी अपने घर में भी ठहरा सकते हैं। तो इस तरह से ताकि अधिक बजट का इस्तेमाल ना हो, कम से कम पैसे में आप अधिक से अधिक अरेंज कर सकें और किसी को कोई तकलीफ भी ना हो, किसी को कोई शिकायत भी ना हो और काम आपका चल जाए। तो इस तरह से वेडिंग प्लानर की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि सारा कुछ उसी को करना होता है। फूलों का चयन प्राकृतिक रूप से शादी की सुंदरता बढ़ा देता है और कई तरह के फूल थीम के हिसाब से आप चुन सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डांस फ्लोर भी एक बहुत ही ज़रूरी जगह होती है और ख़ास तौर से बढ़ातें अगर बड़ी होती हैं तो ऐसी जगह का सिलेक्शन होना चाहिए जहाँ पर डांस फ्लोर बहुत बड़ा हो, और वहाँ पर जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है तो जिस क्षेत्र से बारात आ रही है वहाँ का थोड़ा सा लोकल म्यूज़िक का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। और कुछ तो हमेशा एवरग्रीन सॉन्ग्स होते हैं शादी के लिए, वो तो बजेंगे ही बजेंगे। फिर नई जनरेशन को इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद होते हैं या कुछ भंगड़ा इस तरह के पसंद होते हैं, पंजाबी सॉन्ग्स, वो भी बजने चाहिए। तो क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए और क्षेत्रीय म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हुए आप शादी की सुंदरता बढ़ा सकते हैं और नाचने को सभी को मजबूर कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस DJ को आप चूज़ कर रहे हैं वो उस लायक है कि नहीं। वेडिंग प्लानिंग आजकल एक, आप कह सकते हैं, पिछले कुछ सालों में शुरू हुआ एक नए तरह का कारोबार है जिसमें बहुत सारे युवा युवतियों को रोज़गार मिल सकता है और आप अपने शौक को पूरा करके पैसे भी कमा सकते हैं। वरना इवेंट मैनेजमेंट के लिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं लेकिन उनको बहुत बड़े बड़े स्तर पर काम मिलता है, बड़े काफ़ी बजट का काम होता है। लेकिन अगर आप छोटे स्तर शुरू करें तो छोटे स्तर शुरू करके आप बहुत ऊपर के स्तर पर जा सकते हो। जहाँ तक एक फिल्म आपने देखी हुई बैंड बाजा बारात, जो इसी के ऊपर डिपेंड थी और उसकी थीम भी यही थी, लेकिन इतना जान लीजिए एक बहुत ही पूरी टीम का काम है और टीम के साथ आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। मार्केट में कब किस चीज़ का रेट ऊपर जा रहा है, किसका रेट नीचे आ रहा है, कौन सी नई थीम्स आ रही हैं, किन और चीज़ों को ऐड करना है, किन चीज़ों को हटाना है और किस तरह से कॉम्बिनेशन बना के एक बजट अच्छा बना करके आप अपने सभी क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए बिजनेस ला सकते हैं। अगर आप ये कर पाते हैं बहुत ही अच्छे वेडिंग प्लानर आप बन सकते हैं, इस बात की गारंटी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं विनय और योगिता की शादी है तो वी और वाई बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। इसको आप अलग अलग शेप में बनवा सकते हैं, बहुत खूबसूरती के साथ डेकोरेट भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो एक वेडिंग प्लानर की जिम्मेदारी है कितने नए तरीके से अपने जगह को डेकोरेट करवाता है, कितनी आसानी से वहाँ तक सब लोग पहुँच पाते हैं और कितनी खूबसूरती के साथ अलग अलग व्यंजनों का लोग फ़ायदा उठा पाते हैं। यही सब प्लान करने की जिम्मेदारी वेडिंग प्लानर की होती है। दोस्तों, पाणिग्रहण संस्कार करवाने के लिए जो पंडित जी होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ख़ास तौर से कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिस दिन बहुत ढेरों शादियाँ होती हैं, तो एक अच्छा वेडिंग प्लानर हमेशा एक बैकअप रखता है ताकि अगर किसी वजह से एक पंडित जी ना आ पाए, दूसरे पंडित जी का इंतज़ाम किया जा सके और शादी करवाई जा सके। और दूल्हा दुल्हन के बैठने के जो आजकल सोफे आ रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट तरह के होते हैं और नए नए शेप में उनको दिया जा सकता है, तो ये भी आपको डिसाइड करना है। और हर शादी में कुछ ना कुछ नयापन लाने की कोशिश होनी चाहिए, चाहे वो लोकेशन के हिसाब से हो या डिज़ाइन के हिसाब से हो या लाइटिंग के हिसाब से हो, ऐसा करने से हमेशा अच्छा लगता है। वेडिंग प्लान को हमेशा मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, जिस चीज़ के भी रेट्स अप डाउन होते रहें उस हिसाब से उसका फ़ायदा या नुकसान आगे क्लाइंट को देना चाहिए। शादी के कामों की फहरिस्त इतनी लंबी होती है कि उसकी एक
प्रॉपर लिस्ट हमेशा तैयार होनी चाहिए वेडिंग प्लानर के पास, ताकि कुछ भी छूटे ना, कुछ भी बचे ना। दोस्तों मेरी कोशिश थी इस वीडियो के माध्यम से एक वेडिंग प्लान के बारे में थोड़ा सा बताने की, ताकि कुछ लोग जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं फ़ायदा उठाएं, और जो लोग नहीं जानते इसके बारे में उनको थोड़ी जानकारी हो। उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ताकि आपको मेरा हर नया वीडियो की जानकारी पहले मिल सके, और शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। जाते जाते इंपॉर्टेंट टिप, वेडिंग प्लानिंग एक टीम वर्क है। जितनी अच्छी और एफिशिएंट टीम होगी उतने अच्छे वेडिंग प्लानर आप बनेंगे। तो बस देर किस बात की, बनिए वेडिंग प्लानर और देखते रहिए मेरे वीडियो चैनल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।